नमस्ते, दिस इज पूजा, इंडियन ट्रेजर्स में आपका स्वागत। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी लखनवी कोफ्ता। इसे बनाना काफ़ी इजी है। आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं या गेट टुगेदर है तो आप इसको बना सकते हैं और आई एम श्योर कि आपके गेस्ट को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लखनवी कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में 6 से 7 काजू डालेंगे, 1 टीस्पून तरबूज के बीज, 1 टीस्पून पॉपी सीड्स खसखस के बीज, और इनको थोड़ा सा दूध डालकर भिगो लेंगे। अब इस मिक्सर को अलग रख देते हैं। अब एक चॉपर में हम डालेंगे 1 कप ब्लांच किया हुआ पालक, 1/4 डालेंगे अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च, और इसको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। एकदम बारीक चॉप करना है। अब हम बनाएंगे कोफ्ते की स्टफिंग। तो इसके लिए ये पनीर है, घर का बना हुआ पनीर है। यह है करीब 50 ग्राम के करीब पनीर है। इसमें हम ऐड करेंगे 15 से 20 किशमिश, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ा सा सॉल्ट, और इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें रेड चिली पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको भी एक तरफ रख लेते हैं। अब कोफ्ता बनाने के लिए एक प्लेट में हम डालेंगे पिसा हुआ पालक, इसके बाद डालेंगे इसमें 1 बॉइल्ड किया हुआ आलू जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, 2 टेबल स्पून बेसन, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक अपने स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा नींबू का रस। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अलग का जो मसाला है ये थोड़ा सा रनिंग लग रहा है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्स का यूज़ मैंने इसलिए किया कि ज़्यादा बेसन डालने से जो कोफ्ते हैं उसमें बेसन का टेस्ट ज़्यादा आता है। आपको भी अपना मसाला पतला लग रहा है तो उसमें आप ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा बेसन के साथ। अब इसमें से हम पालक का एक मसाले का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, अपने हाथों में रखेंगे, बीच में थोड़ा सा जगह बनाएंगे, और जो हमारा पनीर की स्टफिंग थी भरावन हमने बनाया था इसको रख कर बंद कर देंगे। और अपनी कोई भी शेप जो आपको पसंद हो उस शेप के कोफ्ते आप बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा आज मैं ओवल शेप के कोफ्ते बना रही हूँ। तो इसी तरह से हम अपने सभी कोफ्तों को बनाकर रखते जाएंगे। तो ये देखिए कोफ्ते बनकर रेडी हो गए। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। पहले हम एक छोटा सा कोफ्ता बनाकर चेक कर लेते हैं कि ये फट तो नहीं रहा। कोफ्ता हमारा बिल्कुल परफेक्टली बना है। तो अब हम अपने कोफ्ते डाल देते हैं। एक बार में बहुत ज़्यादा कोफ्तों को नहीं डालना है, बस 2 से 3। कोफ्ते हमारे परफेक्टली बन गए हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा छोटू कोफ्ता, और इसी तरह से हम अपने बाकी के कोफ्तों को भी फ्राई कर लेंगे। अब जब तक हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो एक मिक्सिंग जार में हम डालेंगे प्याज। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और रफली चॉप कर लिया है। साथ में डालेंगे 2 हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा, 7-8 लहसुन की कलियां, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल,
इसमें हम डाल देंगे प्याज का ग्राइंड किया हुआ पेस्ट, और प्याज के पेस्ट को लो फ्लेम पर धीरे धीरे हम पका लेंगे, भून लेंगे। अब जब तक हमारी प्याज का मसाला फ्राई हो रहा है, हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब सेम मिक्सी के जार में ये जो हमने काजू और खसखस भिगोए थे वो डाल देंगे, साथ ही इसमें हम डालेंगे धनिया, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून के करीब, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड पाउडर जस्ट फॉर कलर, और इनको भी ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेंगे। प्याज का मसाला हमारा भुन गया है, अब हम इसमें डालेंगे अपने काजू और खसखस का पेस्ट। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे, मीडियम लो फ्लेम पर ही हमें भूनना है अपने मसाले को। अब हम अपने मसाले में ऐड करेंगे 1/2 कप दही और 1/4 कप दूध, और अब मीडियम लो फ्लेम पर अपने मसाले को हम भून लेंगे करीब 5 to 7 minutes, 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे, और इसे बराबर हम चलाते रहेंगे। एक उबाल आने तक हमें इसे बराबर चलाते रहना है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और ग्रेवी को मीडियम लो फ्लेम पर पका लेंगे। ग्रेवी में उबाल आने के बाद ही हमें इसमें नमक डालना है। नमक के साथ ही हम 1 टीस्पून शुगर डालेंगे, चीनी, और अब हम मीडियम लो फ्लेम पर अपने ग्रेवी को पका लेंगे। ग्रेवी हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनानी है, क्योंकि जो कोफ्ते हैं वो भी ग्रेवी को एब्जॉर्ब करेंगे। ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है, इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला।